नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मौसम समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। मौसम विभाग हिसार की ओर से ताज़ा मौसम बुलेटिन जारी किया है। हरियाणा के इन ज़िलों में हो सकती है इस दिन से पश्चिम विक्षोभ से बारिश, और साथ में दो दिन जमकर पड़ेगा कोहरा और धुंध। और महेंद्रगढ़ और हिसार सबसे ठंडे ज़िले, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जानेंगे हरियाणा का मौसम अपडेट। अगर आप रोज़ हरियाणा के मौसम अपडेट्स अपने फ़ोन पर पाना चाहते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो जी हाँ, बता दें कि हरियाणा में अगले दो दिन लोगों को भारी ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा। प्रदेश में 26 और 27 दिसंबर को शीतलहर चलेगी और पाला पड़ेगा। दो दिन घने कोहरे की भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से 26 दिसंबर के लिए अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में ऑरेंज अलर्ट है। जबकि 11 जिले पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, बेवाद, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत में येलो अलर्ट जारी रहेगा। वहीं 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी ज़िलों में येलो अलर्ट है। और दूसरी तरफ 29 दिसंबर की रात से नया पश्चिम विक्षोभ बनेगा, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे हरियाणा के उत्तरी ज़िले भी प्रभावित होंगे। ये है बड़ी अपडेट। हरियाणा के उत्तरी ज़िलों में बारिश हो सकती है 29 दिसंबर से। कह सकते हैं हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। तो प्रदेश में महेंद्रगढ़ और हिसार सबसे ठंडा रहा है, जबकि महेंद्रगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र का तापमान न्यूनतम 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि हिसार का 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दो दिन तक हरियाणा में पाला पड़ेगा, जिसके चलते बुजुर्ग बच्चों को बचकर रहना चाहिए। तो यह है अपडेट। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।